हल्का सा तीखा, बट शिमला के सर्दी में अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये तीखा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। शिमला के खास एक फेमस जगह पे जिसको आप अभी देख रहे थे, ये सीताराम नंदसन है। यहाँ के छोले कुलचे बहुत ही फेमस है और आज हम यहाँ पे छोले कुलचे को आपको शिमला के जायकों में टेस्ट करवाने आए हैं। तो गाइस अब हम आपको छोले कुलचे दिखाएंगे और अंदर में बताएंगे किस तरह से ये बनाते हैं, इसमें क्या क्या डलता है और किस तरह का ये मिक्सर है, कितनी पुरानी ये शॉप है। भैया से बात करेंगे, यहाँ का ये जायका टेस्ट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे ये छोले के कुलचे हैं। आप थोड़ा इसको दिखाएंगे, आप थोड़ा आगे इस तरफ को, कि यहाँ पे ये छोले कुलचे किस तरह से गर्मा गर्म बनाए जा रहे हैं। और ये काफी पुरानी शॉप है, यहाँ पे बहुत ओल्ड शॉप है। तो आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म बन रहे हैं। तो अब हम अंदर की तरफ भी बढ़ेंगे और इसमें आपको अंदर से बिल्कुल दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ का टेस्ट फ्लेवर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर अगर अंदर भैया से भी बात करते कि ये पोस्ट शॉप कहाँ से है। अब हम भैया से थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। तो भैया आप हमें बता पाएंगे ये शॉप कब से चला रहे हैं, आप कौन सी ये जनरेशन यहाँ पे? ये तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। तीसरी पीढ़ी यहाँ पे आपकी ये काम कर रही है सर। तो ये सर शॉप कब से खुली हुई है? ये शॉप ये अपना एस्टेब्लिश हुई थी 1963 से, जैसा मैं आपको बता दी काफी 1950 तो यार गाइस बहुत पुरानी शॉप है। और यहाँ पे ये भैया जो यहाँ पे ये चने बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो भैया ये चने आप खुद बनाते हैं? इसमें मसाले वगैरह किस तरह से? सब कुछ आप बनाते हैं, इसके मसाले भी आप खुद बनाते हैं सब कुछ। और इसके साथ आप दो ये चटनियां वगैरह कुछ सर्व करते हैं? अच्छा ये खट्टी मीठी चटनी है, तो ये खट्टी मीठी चटनी है, इसमें साथ में आपको ये कुलचे हैं और ये काफी पुरानी है। तो अब गाइज हम इसका टेस्ट लेंगे। भैया एक प्लेट हमारी लगा दीजिए ताकि अब हम टेस्ट करें इसको और फिर अपने दर्शकों को बता सके कि ये किस तरह का यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया टेस्ट मिलता है। शिमला के जायकों में हम आपको आज यहाँ पे सीताराम जी के पास लेके आए हैं। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। चने हैं, प्याज है और साथ में आलू है, एक आलू है, चटनी भैया ने डाली थी जैसा आपने वीडियो में देखा था अभी। तो सबसे पहले हम इसका एक टेस्ट करते हैं, तो डाला कुलचे के साथ देखते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, काफ़ी मसाले चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं थोड़े से चने को थोड़ा सा सिंगल ही टेस्ट करूंगा, देखूंगा किस तरह से यार काफी अच्छे मसालों का यूज किया हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा तीखा, बट शिमला के सर्दी में अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये तीखा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर शिमला में आप आ रहे हो बिल्कुल रिज मैदान के साथ ही, ये जो हमारा रेल मैदान है उसी के साथ में आपका ये थोड़ा सा लक्कड़ बाजार की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे सीताराम एंड सन है। तो इसकी टाइमिंग वगैरह ओपनिंग वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अभी हम इसका टेस्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। आपको इसकी जो भी रेटिंग होगी वह आपके वीडियो के टाइम पर मैं इसको एडिटिंग के टाइम पर डाल दूंगा। तो पहले अभी हम इसको फिनिश करते हैं
आगे की बात करते हैं आपसे, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चने का और ये आपके जो कुलचे था इनका टेस्ट करके हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ पे शिमला के मॉल रोड पे अभी हम हैं, तो मॉल रोड ही कहेंगे अभी, ये लक्कड़ बाजार वाली मार्केट है। तो यहाँ पे हम मास्क को पूरा नीचे तक रखे क्योंकि ये कोरोना काल है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो आप पूरी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो ये सामने आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, यहाँ पे सामने वहाँ पे सीताराम की शॉप है, यहाँ पे भी हमने छोले कुलचे ट्राई किए थे। तो अब हम यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे और यहाँ पे शिमला के आपको कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे शिमला के जायके अभी दिखाएं, फिर आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे और अगली अच्छी वीडियो आपको लाते जाएंगे।